अध्यापक का हो, छोटा हो या मुझसे वरिष्ठ हो, सभी मुख्य अतिथि हैं, तो आप सभी मुख्य अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत वसुदेव जी की ओर से। और आज अभिनंदन है जिन्हें वसुदेव जी ने अपना गुरु माना है, श्री एस वासुदेव सिंह साहब। भले ही हमारे बीच में नहीं है इसलिए स्वर्गीय कहना मुझे अजीब इसलिए लगता है क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि वो हैं हमारे बीच, जहाँ कहीं भी हैं वो देख रहे हैं, और अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो अवश्य वासुदेव जी को आशीर्वाद देंगे। और उनके ओर से मधु सिंह जी यहाँ आमंत्रित हैं उनके सम्मान के लिए, हम कुछ देर बाद सम्मान करेंगे। और आदरणीय नंदन शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं, उनका सम्मान होगा। श्री मदन शर्मा जी रेडियो और थिएटर के वरिष्ठ नाट्य गुरु यहाँ मौजूद हैं, उनका सम्मान होगा। श्री सरदार नारायण माथुर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनका सम्मान होगा। और इसके आगे जो फेरिस्ट है वो है श्री गोपी जी भट्ट का भी सम्मान होगा, और उनके नाम के पहले भी स्वर्गीय लगाना बहुत अजीब लगता है क्योंकि हम सभी ने उनको जीते जागते तमाशा शैली के सिद्ध साधक के रूप में पूजा है हमेशा, और आज भी हम ये मानते हैं कि वो हैं हमारे बीच, उनका भी सम्मान ग्रहण करेंगे दिलीप भट्ट साहब। लेकिन उससे पहले वासुदेव जी ने जितना ही अपनी यात्रा की है अपने नाट्य जीवन में या जितने भी कला के क्षेत्र में उनका योगदान रहा है, उसकी एक छोटी सी झलक हमने यहाँ पर संयोजित की है एक नाटक के रूप में, और उस नाटक का बहुत ही खूबसूरत सा नाम दिया है 75 साल का एवं इंद्रजीत। तो ये देखते हैं नाटक और उसमें झलक देखते हैं वासुदेव जी की। जयपुर का तमाशा, नाम चाहे राजा हीर कह लो या गोपीचंद, जयपुर के अखाड़ों में होता हूं। बड़ा खड़ा, छोटा खड़ा, अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर आमेर, आप सब तो जानते ही होंगे। मध्य भरत मुनि के नाटक शास्त्र से शुरू हुआ, ग्रीक थिएटर से शुरू हुआ, कालिदास, शेक्सपियर, न जाने कहां का होता ना पूरे विश्व में। जयपुर में भी तो एस वासुदेव जी और सरदार जी जैसे लोगों ने मुझे अपने सर का ताज पहनाया है, और आप सब लोग भी तो मुझसे ही जुड़े हुए हैं। मैं ये पूछता आप में से कुछ पुराने लोग मुझे अच्छी तरह से जानते, क्योंकि आजकल तो आप सब मुझे मुझे नहीं बल्कि एफएम को समझते, लेकिन मुझे आप उस जमाने का समझे हैं जब नाटक हवा में से आया करता। और आज हम आपको मिलाएंगे ऐसे आदमी से जो हम तीनों से लगातार जुड़ा रहा है और आज भी जुड़ा हुआ। वो मुझसे ज्यादा जुड़ा है शायद। नो मिस्टर तमाशा, यू आर मिस्टेकन भाई, उसका जवाब मुझसे ज्यादा है। नहीं, उसका लगाव मुझसे ज्यादा है। अरे नहीं है, आप दोनों का ज्यादा है, उसका जुड़ाव तमाशा से ज्यादा है। अरे मुझसे ज्यादा है यार। अरे रेडियो से ज्यादा है। अरे तमाशा से ज्यादा है यार, थिएटर से ज्यादा है। Come on.
की तरह ही रहता, दिलीप कुमार की तरह ही चलता, और एक्टिंग कभी कभी तो वो भी दिलीप कुमार की तरह ही करता।
मुंबई में दिलीप कुमार को देखकर उसी के अंदाज में डायलॉग बोलता। अरे अमीर गरीब का क्या है कैसा बाबू, झगड़ा तो हाथ और वसीम का है बस। मैं तो ये फिल्म मुसाफिर ने 25 बार देखी। वो आदमी देवानंद का भी फैन था, कभी कभार घर से देवानंद को चिट्ठे भी लिखवाता था। उनके बड़े भाई और घर वाले उनके लिए चिंता करते रहते। दादा भाई हाँ, मुझे लग रहा है ये है ना वासु भाग जाए वो मुंबई। मुझे भी ऐसा ही लगा। हाँ हर कहीं ऐसी है कि मुझे भी ऐसा ही लगा। क्या करें तो यार, मतलब पूरा पढ़ी जाए। मुझे भी ऐसा ही लगा। दादा भाई एक बार ऐसी रबड़ भी मिटाने के लिए भेज दो यार बंबई। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। क्या ऐसा ही लगा? 30 रुपए की टिकट थी बंबई, बस इतना ही पता था उस आदमी। इसके अलावा वो ना को जानता था और ना ही कुछ समझता था। और फिर वहां उड़ना शुरू हुआ उसका मजाक। क्योंकि साथ में तो चाहिए थी एक अच्छी सोसाइटी, और ये अच्छी सोसाइटी से काम लेती। फिर मुंबई में रहने वाले एक पत्रकार ने उसे बताया, तुम ऐसा करो अगर तुम्हें अच्छी सोसाइटी चाहिए तो तुम जयपुर जाओ और रेडियो का ऑडिशन दो, रेडियो के नाटक करो और रेडियो ज्वाइन करो। तब वो आदमी मुंबई से फिर जयपुर आया और वहां उसे रेडियो मिला, और मिले गंगा प्रसाद जी माथुर और घनश्याम शर्मा जी। और घनश्याम शर्मा जी ने पता उससे क्या कहा? बेटा देखो, क्या तुम मेरी बेटी को पढ़ा दोगे? और उसने कहा जी पढ़ा दूँ, तो तुम उसे भी पढ़ाओ और खुद भी पढ़ो और साथ साथ रेडियो के नाटक भी करो। फिर वो आदमी पढ़ने भी लगा और पढ़ाने भी लगा और रेडियो पे जाने भी लगा। मैं इश्क इश्क सौदाइयों का रफीक, मोहब्बत का देवता, आशिकों के दिल का सच्चा रहनुमा, हरे दिल पर हुकूमत करने वाला बादशाह, इश्क जवाजों का बदला, निगाह नाज की चखियों का वसीला, दर्द हसरत यास इंतजार अरमान की हौसला फौज का सिपाही सरदार। मैं कौन? मैं मजनू, मेरा बाप मजनू, मेरी मां मजनी। शादी हो गई, पत्नी आ गई, गृहस्थी बस गई, तो घर वालों ने सोचा कि शायद गृहस्थी बस गई है, जिम्मेदारी आ गई है, अब ये टीवी फिल्म और ये नाटक के चक्कर भूल जाए। और रही बात नौकरी की, तो वो तो शादी की पहले लग चुकी। कब रवि निकाल ले रहे हैं? अरे लेकिन नौकरी तो ठीक थी, लेकिन शादी हो जाने से ये दुखी हो गए कि अब खुले आसमान में कैसे उड़ पाऊंगा। अरे भाई बंधन जो बन गया था, मगर घर वाले खुश थे, खासकर इनकी माँ और इनके पिताजी। इनके पिताजी अक्सर इनकी माँ को एक बात कहते थे। क्या कहते थे? आप सुनाओ। रमेश मेहता का फैसला। हाँ रमेश मेहता का फैसला।
वसुदेव मनोहर की फियारी थी उसका प्रेम सच्चा था निष्काम था तभी तो शाम से पहले राधा का नाम आता है राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। बस इस नाटक के बाद उनकी मुलाकात जयपुर थिएटर के कुछ अच्छे लोगों से हुई। जैसे पूरे दिनों में एक नाटक हुआ था जिसका नाम था खालिद की खाला। ये नाटक घनश्याम शर्मा जी ने डायरेक्ट किया और इस नाटक में जयपुर थिएटर के जाने माने नाम थे सरदार नारायण माथुर माया सरन एस के बंजारा सुल्तान सरन और भी बहुत से लोग। और अगले दिन अखबार में एक तस्वीर एक बड़ी सी तस्वीर और वह तस्वीर थी खालिद की खाला के खालिद। साथियों आज हम ये काम करेंगे कि दफ्तर में कागज का
डिस्पोजल कैसे होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपना काम कराने के लिए आता है तो वो अपना कागज अपनी एप्लीकेशन छोटे बाबू को देता है, छोटे बाबू उसमें कुछ लिख करके बड़े बाबू के पास भेज देते हैं, बड़े बाबू उसमें कुछ लिख करके छोटे बाबू के पास भेज देते हैं, फिर छोटे बाबू कुछ लिख करके बड़े बाबू के पास भेज देते हैं, और फिर बड़े बाबू उसमें कुछ लिख करके छोटे बाबू के पास भेज देते हैं। इस तरह से कागज छोटे बाबू से बड़े बाबू, बड़े बाबू से छोटे बाबू, छोटे बाबू से बड़े बाबू, बड़े बाबू से छोटे बाबू, छोटे बाबू से बड़े बाबू, बड़े बाबू छोटे बाबू, छोटे बाबू से बड़े बाबू, बड़े बाबू छोटे बाबू, छोटे बाबू से बड़े बाबू, छोटे बाबू से बड़े 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 छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े। व्यक्ति आता है जिसका की काम था वो आपके छोटे बाबू के पास आकर के अपनी जेब में से कुछ निकालता है और फिर छोटे बाबू को दे देता है। छोटे बाबू उस कागज में कुछ अच्छा सा लिख के बड़े बाबू के पास भेज देते हैं, बड़े बाबू उसमें बहुत कुछ अच्छा लिख करके और मुझे अफसर के पास भेज देते हैं। मैं उस कागज पे बिना देखे ही दस्तखत कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो कार्रवाई होनी होती है वो हो चुकी है। इस तरह से दफ्तर से एक कागज का डिस्पोजल हो जाता है। समझे? सब दो दिन के संगी साथी, सब दो दिन के नाते हैं, पंछी ऐसे आते हैं, इस पर
खुशियां छोड़ जाते हैं, सब दो दिन के संगी साथी, सब दो दिन के नाते हैं, सब दो दिन के नाते हैं, सब दो दिन के नाते हैं, सब दो दिन। एस वासुदेव जी और उसके पास सरदार नारायण माथुर जैसे लोगों ने इन्हें थिएटर में और तो फिर इन्हें रेडियो में मिले। गंगा प्रसाद माथुर, उदार शकेर, हसन खान, माया इसरानी, मदन शर्मा, लता गुप्ता, विजय फिलगोटिया, पंडित नंदलाल शर्मा, शांता गुप्ता, गणपतलाल धामी, मुकुल धामी, मुकुल गोस्वामी और उनके साथ उन्होंने किया लहरे। इनवाइटेड ऑडियंस, मशीनी औरत, बहुत सारे झलकिया करी मशीनी औरत थी जिसमें, इसके अलावा अंतराल जैसा नाटक था जो फर्स्ट आया, और इसके अलावा बहुत सारी झलकिया, नंदा शर्मा जी का भोला शंकर मास्टर, वो म्यूजिक मास्टर भोला शंकर, लव कॉलेज, न जाने सैकड़ों झलकिया, 500 नाटक, झलकिया नाटक, रेडियो तमाशा नाटक, सब कुछ। मैं तमाशा, जयपुर तमाशा, मैं तो हमेशा इनके साथ था और साथ था इनके बुजुर्गों का आशीर्वाद, इनके बड़े भाइयों का आशीर्वाद, इनके तमाशा गुरु का आशीर्वाद। एक बार शास्त्र ने तो शास्त्र हुआ, जिसमें थे सुरेश गोस्वामी, विनोद भट्ट, रवि ठाकर, शेखर शेष, अन्नी जी, ईश्वर जी और नवनीत जी। वो स्टार्टर को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वो फर्स्ट है, मगर डायरेक्टर साहब, उस वक्त डायरेक्टर साहब तो वहाँ थे ही नहीं। क्यों, डायरेक्टर साहब कहाँ थे? तो मैंने कहा नहीं। अरे वो तुमको ही तो कर रहे थे। कर रहे थे हाँ भैया, वो उस दिन नाटक के उस मंच से दूर किसी दूसरे मंच पर तमाशा कर रहे थे। थोड़ा हजारा ये तमाशा है, रेडियो ही नाटक, इन तीनों के साथ चला है आदमी, आज भी इन तीनों के साथ। इस आदमी ने कुछ फिल्में भी की और कुछ सीरियल भी किए, जैसे एक साची बात सभी जब जाने, बीच बीच में इस आदमी ने विद्रोह भी किया, लड़ा भी अपनों से भी और अपने अपने को बनाने वालों से, लेकिन आप सबने अपना प्यार इस आदमी के ऊपर से कभी कम नहीं किया। 8 साल का वो बालक जिसने मेघनाथ को देखकर अपनी यात्रा शुरू करी, आज 75 साल का हो गया। जिद और जुनून के 75 साल बस आप लोगों के प्यार के सारे ही कटे हैं, और ये 75 साल का एवं इंद्रजीत आज भी आपसे एक ही बात कहता है, तीर्थ नहीं केवल यात्रा, लक्ष्य नहीं केवल पथ, इसी तीर्थ पथ पर है चलना, लक्ष्य यही गंतव्य, यही लक्ष्य, यही गंतव्य।